आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देशन में अवैध शराब के निष्कर्षण, शराब तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वह अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में SOG बलिया आबकारी विभाग व थाना नरही की संयुक्त पुलिस टीम को मिली सफलता। टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना नरही क्षेत्र के सोहाव पेट्रोल पंप के पास से अंग्रेजी शराब तस्करी से संबंधित दो नफर अभियुक्तों संतोष यादव पुत्र लक्ष्मण यादव निवासी असेगा थाना सुखपुरा जनपद बलिया, विशाल यादव पुत्र उमेश यादव निवासी वार्ड नंबर 6 दक्षिण टोला रेवती थाना रेवती बलिया को समय लगभग 9:25 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से दो अदद पिकअप वाहन में से कुल 263 पेटी में कुल 935.366 लीटर ठेका की अंग्रेजी शराब बरामद हुई। उक्त के संबंध में गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना नरही पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्तगढ़ को माननीय न्यायालय बलिया भेजा जा रहा है। पेशे बलिया से नवल जी की खास रिपोर्ट। सर, बलिया पुलिस को आज किस प्रकार की सफलता प्राप्त हुई? आज थाना नरही की पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम तथा आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग पिकअप में अंग्रेजी शराब उत्तर प्रदेश से बिहार ले जा रहे हैं तस्करी के लिए। उक्त सूचना पर उक्त टीमों द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें दो पिकअप पकड़े गए जिसमें अवैध शराब की लोडिंग थी। इसमें कुल 263 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है और दो नफर अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। उक्त जो शराब बरामद हुई है उसकी बाजार में कीमत लगभग 14 लाख के आसपास बताई जा रही है। फिलहाल जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनसे और जानकारी प्राप्त करके इसमें संयुक्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।